हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू द कंसेप्ट यूट्यूब चैनल। से एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हम डिस्कस करेंगे और ये टॉपिक है कि श्रीलंकन गवर्नमेंट ने एक कॉन्ट्रैक्ट दिया है चाइनीज कंपनी को, और ये जो कॉन्ट्रैक्ट है जो कि हाइब्रिड प्रोजेक्ट है, मतलब विंड और सोलर एनर्जी से रिलेटेड ये प्रोजेक्ट है, और ये बहुत ही क्लोज लोकेटेड है। रामेश्वरम से भी अगर देखा जाए तो जो कि मात्र रामेश्वरम से मात्र 45 किलोमीटर ही दूर है, तो बहुत ही क्लोज है इंडिया के कोस्ट लाइन पर। और ये जो चाइनीज कंपनी है जिसका नाम टेकविन है, टेकविन नाम की कंपनी, इसको ये प्रोजेक्ट दिया गया है, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी से रिलेटेड है। अब इंडिया ने इसके खिलाफ प्रोटेस्ट भी किया है, श्रीलंकन गवर्नमेंट को भी कहा है कि मतलब अपना जो कंसर्न है उसको रेज किया है। अभी कुछ समय पहले ही अगर देखा जाए तो श्रीलंकन सरकार ने जो ईस्टर्न कंटेनर टर्मिनल प्रोजेक्ट है जिसमें इंडिया और जापान दोनों ही पार्टिसिपेट कर रहे थे, उस प्रोजेक्ट को ये कहकर कैंसिल कर दिया कि वहां के जो पोर्ट यूनियन है वो काफी वॉइस रेस कर रहे हैं, इसलिए हमें कैंसिल करना पड़ रहा है। लेकिन चाइना की इस प्रोजेक्ट को, चाइना की कंपनी के इस प्रोजेक्ट को, टेकविन के इस प्रोजेक्ट को, जो कि एक सब्सिडरी है चाइना की ही विंड टर्बाइन मैन्युफैक्चरर जिसका नाम है गोल्ड विंड नाम की एक कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, उसी की एक सब्सिडरी है टेकविन। इस टेकविन को ये प्रोजेक्ट मिला है दैट इज रिलेटेड विद विंड एंड सोलर एनर्जी। लगभग $12 मिलियन का ये प्रोजेक्ट है, और अवार्डेड टू सिनोसर टेकविन जो कंपनी का नाम है, और ये एक ज्वाइंट वेंचर के रूप में ये प्रोजेक्ट रन किया जाएगा, मतलब चाइनीज कंपनी है और साथ में श्रीलंका की भी कंपनी है जिसका नाम है सिलोन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, ये साथ में ही कार्य करेंगे। तो यहां पर कंसर्न इसलिए हो जाता है कि आप इस चीज को समझना है कि ये जो प्रोजेक्ट है इंडिया के बहुत ही क्लोज हो गए, 45 किलोमीटर तो बहुत ही कम है। अगर आप देखोगे तो उधर से पाकिस्तान में चाइनीज का प्रेजेंस है, म्यांमार में अब चाइनीज का प्रेजेंस हो गया, नेपाल में चाइनीज का प्रेजेंस देखने को मिल रहा है, उधर अरुणाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में उसका क्लेम लगातार बढ़ रहा है, वहां भी इंफ्रास्ट्रक्चर वो डेवलप कर रहा है, और यहां पे श्रीलंका है, एक मालदीव्स जो बचा है जहां पे इंडिया का इन्फ्लुएंस अच्छा खासा है, लेकिन फिर भी बाकी की जितनी भी जगह है वहां पे जो चाइनीज इन्फ्लुएंस है वो तेजी से आपका बढ़ रहा है। अब जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है वो भी इस प्रोजेक्ट को फंड करेगा, ये भी आपको समझना है। और ये जो प्रोजेक्ट है ये कुछ आइलैंड्स हैं जैसे डेल्फ्ट, नैनाटुवु और अनालाटीवु, ये तीन ऐसे आइलैंड हैं जो कि पाल्क स्ट्रेट के पास लोकेटेड है, जाफना पेनिनसुला के पास, और वहीं पे ये प्रोजेक्ट आपका रन किया जाएगा। जो डेल्फ्ट है लार्जेस्ट ऑफ द थ्री आइलैंड, ये रामेश्वरम के सबसे क्लोजेस्ट लोकेशन है जिसका नाम डेल्फ्ट है, डेल्फ्ट नाम का ये आइलैंड है जो सबसे बड़ा आइलैंड है तीन आइलैंड से, और रामेश्वरम की वो बहुत ही क्लोज लोकेटेड है। बिटवीन द टू इज कच्छातीव आइलैंड, दो जो आइलैंड आपके हैं उनके बीच में आपका, मतलब पास में ही कच्छातीव आइलैंड भी लोकेटेड है जिसको 1974 में ही हमने श्रीलंका को दे दिया था। वाटर अराउंड दीज आइलैंड आर इन एरिया ऑफ कॉन्टेस्ट एंड राइवलरी, मेनली जैसे जाफना से जो श्रीलंकन फिशरमैन है और तमिल से जो फिशरमैन है उनके बीच में, ये जो कच्छातीव आइलैंड के चारों तरफ जो पानी है वहां पर फिशिंग के लिए एक लाइवलीवुड का इशू है, बट वहां फिशिंग के लिए कई बार मतलब चलता है, उनके बीच कंफ्लिक्ट आपका हो जाता है, कई सारे इंडियन फिशरमैन को अरेस्ट भी किया जाता है। तो यहां पे जो भी इश्यूज हैं इंडिया श्रीलंका के बीच, जैसे फिशरमैन इशू आपका चल रहा है, वहां पे चाइनीज की एंट्री हो रही है, चाइनीज की जो कंपनी टेकविन नाम की जो कंपनी है उसकी एंट्री हो रही है, ये एक मैटर ऑफ कंसर्न है, और इसको इंडिया कैसे डील करता है ये सोचने वाली बात है, हम अपने डिप्लोमेटिक लेवल पे अपने इंटरेस्ट को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं ये देखने वाली बात है। सो आज के लिए इतना ही, अगर आप आईएएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप अनअकैडमी से जुड़ सकते हैं, इंडिया के टॉप 80+ एजुकेटर से लाइव पढ़ सकते हैं, यू कैन यूज द कोड SPLIVE। 14th फेब को आपका अनअकैडमी कॉम्पैक्ट है, उसका हिस्सा भी आप जरूर से बने, इफ रिक्वायर्ड यू कैन यूज द कोड SPLIVE। थैंक यू एवरीवन एंड लेट्स क्रिकेट।